दोस्तों, दुर्गा पूजा शुरू होने में अब बस कुछ ही समय बचे हैं। ऐसे में सिटी ऑफ जॉय कोलकाता पूरे जोश और उत्साह के साथ मां भवानी के आगमन के लिए तैयार है। इस बार कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों की लिस्ट थोड़ी यूनिक है, क्योंकि इस वर्ष कई ऐसे दुर्गा पूजा समितियां हैं जो कि पहली बार काफी यूनिक थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल तैयार कर रही हैं। कहीं के दुर्गा पूजा पंडाल में आपको लास वेगास का स्फीयर देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं पर स्विट्जरलैंड का पार्लियामेंट, किसी दुर्गा पूजा पंडाल में तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन होंगे, तो कहीं पर वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोलकाता शहर दुर्गा पूजा में दुल्हन की तरह सजने को तैयार है। तो आइए जानते हैं कोलकाता के टॉप 10 सबसे शानदार दुर्गा पूजा पंडाल थीम्स 2024 के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 10, कल्याणी A9 स्क्वायर पार्क। दोस्तों, स्क्वायर फील्ड ब्लॉक A9 कल्याणी में बनाए जाने वाला कल्याणी A9 स्क्वायर पार्क दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। इस पंडाल तक पहुंचने के लिए कल्याणी रेलवे स्टेशन तक जाकर वहां से फिर पैदल ही पंडाल तक का सफर तय किया जा सकता है। इस वर्ष यहां के पंडाल की खास बात ये रहेगी कि ये पंडाल एक 3D पंडाल होगा, जिसे आप तीन तरफ से देख सकेंगे। वाकई ये सुनने में काफी यूनिक लग रहा है। पंडाल की ऊंचाई लगभग 110 फीट की रहेगी। इसके साथ ही साथ पंडाल के अंदर फाइबर और कांच के काम आपको देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 9, पानशिला ठाकुरबाड़ी सोदपुर। दोस्तों, पानशिला ठाकुरबाड़ी सोदपुर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष राजस्थानी महल का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। पूरे पंडाल की साज सज्जा राजस्थानी कलाकृतियों से की जाएगी, जो कि देखने में काफी भव्य लगेंगे। पंडाल के आसपास कई सारे लाइटिंग गेट्स भी बनाए जाएंगे। इस दुर्गा पूजा समिति का थीम का नाम है राजसिक दृष्टि। इस पूजा पंडाल का नजदीकी रेलवे स्टेशन सोदपुर रेलवे स्टेशन है, जहां पर आप लोकल ट्रेन के माध्यम से सियालदह से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप पैदल ही पंडाल के दर्शन हेतु जा सकते हैं। नंबर 8, एक दलीय एवरग्रीन क्लब। दोस्तों, एक दलीय एवरग्रीन क्लब के द्वारा इस वर्ष पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। इस वर्ष इस समिति का 82वां दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। इस समिति का दुर्गा पूजा पंडाल एक दलीय रोड रूपालीगंज में बनाया जाता है। इस दुर्गा पूजा पंडाल का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है कवि सुकांता मेट्रो स्टेशन, नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन और कालीघाट मेट्रो स्टेशन। नंबर 7, कल्याणी रथ तला दुर्गा पूजा समिति। दोस्तों, ब्लॉक बी रथ तला कंचरा पारा में बनाए जाने वाले कल्याणी रथ तला दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि देखने में काफी रियलिस्टिक लगने वाला है। कल्याणी रथ तला दुर्गा पूजा समिति एक बहुत ही बड़े मैदान में दुर्गा पूजा आयोजित करती है और पूजा पंडाल के साथ साथ यहां पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। बांस की मदद से पूजा पंडाल को काफी भव्य आकार दिया जा रहा है। इस खूबसूरत से पंडाल तक पहुंचने के लिए कल्याणी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर आप सियालदह से लोकल ट्रेन के द्वारा पहुंच सकते हैं। नंबर 6, आगरा पारा तारापुकुर दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, आगर पारा तारापुकुर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष थाईलैंड के ब्लू टेम्पल का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है, जिसकी भव्यता भक्तगणों को देखते ही बनेगी। आगरपाड़ा तारापुकुर दुर्गा पूजा पंडाल का नजदीकी रेलवे स्टेशन है आगरपाड़ा, जहां तक आप लोकल ट्रेन के माध्यम से बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप पैदल ही पंडाल तक का सफर तय कर सकते हैं। आगरपाड़ा तारापुकुर दुर्गा पूजा समिति का दुर्गा पूजा पंडाल तारापुकुर मेन रोड वेस्ट आगरपाड़ा पानी हाथी के पास बनाया जाता है। समिति के द्वारा पंडाल का उद्घाटन चतुर्थी के दिन होगा और भगवान बुद्ध के 60 फीट से भी ज्यादा ऊंची प्रतिमा पंडाल के पास में बनाई जाएगी। नंबर 5, जीरत आदि बड़ोवाड़ी दुर्गा पूजा।
दोस्तों अपने 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे जीरत आदि बड़ुवाड़ी दुर्गा पूजा समिति का दुर्गा पूजा पंडाल कालीतला कालियागढ़ में बनाया जाता है। जीरत आदि बड़ुवाड़ी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा काफी शानदार तरीके से पंडाल की साज सज्जा की जा रही है। यहां पर बन रहे पंडाल की ऊंचाई 90 फीट और चौड़ाई 120 फीट की होगी। दोस्तों जीरत आदि बड़ुवाड़ी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष के मून टावर का रूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। इस पंडाल का निर्माण 19 लाख रुपए के लागत से किया जा रहा है, जबकि पूजा का टोटल बजट 32 लाख रुपए का है। नंबर 4 कॉलेज स्क्वायर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति। दोस्तों उत्तरी कोलकाता में बनाए जाने वाले कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष स्विट्जरलैंड का पार्लियामेंट दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। पंडाल की साज सज्जा काफी भव्यता के साथ की जा रही है, जो कि भक्तजनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल तक पहुंचने के लिए आप सियालदा रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप पैदल ही या फिर ऑटो के द्वारा पंडाल तक पहुंच सकते हैं। इस खूबसूरत से पंडाल की चौड़ाई 130 फीट जबकि ऊंचाई लगभग 120 फीट की रहेगी। पंडाल को बनाने में प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही साथ यहां पर लेजर लाइट शो भी आयोजित किया जाएगा। पंडाल का उद्घाटन तृतीया या फिर चतुर्थी के दिन किया जा सकता है। नंबर 3 श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा इस वर्ष तिरुपति के बालाजी मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि भक्तगणों को काफी लुभाएगा। इस समिति के द्वारा 2020 में केदारनाथ मंदिर, 2021 में बुर्ज खलीफा, 2022 में वेटिकन सिटी और 2023 में डिज्नीलैंड बनाया गया था। इस प्रकार इस वर्ष भी समिति ने काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने का फैसला किया है। ये दुर्गा पूजा पंडाल कोलकाता के लेक टाउन साउथ दमदम कैनाल स्ट्रीट के पास बनाया जाता है, जहां तक आप ऑटो, बस अथवा मेट्रो से बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। नंबर 2 कल्याणी आईटीआई मोड़ ल्यूमिनस क्लब दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों प्रत्येक वर्ष अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और गजब के थीम्स के साथ लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाले कल्याणी ल्यूमिनस क्लब आईटीआई मोड़ दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष भी कुछ बेहद खास किया जा रहा है। कल्याणी आईटीआई दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष बैंकॉक के अरुण मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। कल्याणी आईटीआई दुर्गा पूजा समिति का नजदीकी रेलवे स्टेशन कल्याणी घोषपाड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां तक आप लोकल ट्रेन के माध्यम से पहुंचकर उसके बाद पैदल ही चलकर पंडाल तक पहुंच सकते हैं। इस वर्ष समिति का पूजा पंडाल 170 फीट से भी ज्यादा ऊंचा रहेगा। नंबर 1 संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति। दोस्तों नटवर दत्ता रो लेबूतला बहु बाजार में बनाए जाने वाले संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति ने पिछले वर्ष 2023 में अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर का प्रारूप बनाकर पूरे कोलकाता वासियों को काफी आकर्षित किया था। इस वर्ष भी समिति के द्वारा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट पर काम करने की तैयारी है, क्योंकि इस वर्ष संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा लॉस वेगास के स्फेरिकल शेप का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है। लेजर शो और स्क्रीन के माध्यम से भक्तगणों को काफी सुंदर झांकियां देखने के लिए मिलेंगे। इस खूबसूरत से दुर्गा पूजा पंडाल का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है शोभा बाजार सूतानुति मेट्रो स्टेशन, जहां से आप पैदल ही इस पंडाल तक का सफर तय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कोलकाता के 10 सबसे खूबसूरत और अमेजिंग दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में बताया है, जो कि 2024 में बनाए जा रहे हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव अपडेट्स हमारे इस चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगली वीडियो आप किस शहर के दुर्गा पूजा पंडाल की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, राधे।